हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हमारे श्रीलंका ट्रिप के दौरान सिगिरिया में पिदुरंगला रॉक पर एक एडवेंचरस और बहुत ही यादगार हाइक के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ टिप्स शेयर करूँगी। चलो तो शुरू करते हैं। वैसे तो सिगिरिया रॉक, जिसे लायन रॉक के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंका का टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, और यही वजह है कि यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा विजिट करते हैं। यहाँ पर एक रॉक और भी है जो सिगिरिया रॉक से ज़्यादा दूर नहीं, और उसकी ऊँचाई भी सिगिरिया रॉक जितनी ही है, और उस रॉक का नाम है पिदुरंगला रॉक। उस रॉक पर चढ़ना हमारे लिए एडवेंचरस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा। सिगिरिया रॉक लायन के पंजे और मिरर वॉल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पिदुरंगला रॉक प्राकृतिक दृश्य, सनराइज और रॉक के ऊपर से सिगिरिया रॉक का व्यू देखने के लिए इन दिनों टूरिस्ट में पॉपुलर होता डेस्टिनेशन है। बहुत से टूरिस्ट सनराइज देखने के लिए पिदुरंगला रॉक और सनसेट के लिए सिगिरिया रॉक जाते हैं। पिदुरंगला रॉक पर चढ़ने से पहले एक प्रवेश द्वार है, जहां पर आपको एंट्री फीस ₹500 या $3 देनी होती है, जबकि सिगिरिया रॉक पर चढ़ने के लिए एंट्री फीस $15 है। एंट्री फी पे करने के बाद जब हम चढ़ना शुरू करते हैं, तो वहाँ कुछ ही दूरी पर एक भगवान बुद्ध का मंदिर है, जिसमें से होते हुए रास्ता आगे की ओर जाता है, और इसी वजह से लेडीज़ को वहाँ पर अपने घुटने और स्लीव को कवर करना होता है। हमने सनराइज़ देखने के लिए पिदुरंगला रॉक पर सुबह 5 बजे चढ़ना शुरू किया। कुछ वक्त आसान चढ़ाई चढ़ने के बाद रास्ते में एक पुरानी गुफा आती है, जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। 5वीं शताब्दी में इस गुफा को बौद्ध मठ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बौद्ध भिक्षु मूल रूप से सिगिरिया की गुफा में रह रहे थे, लेकिन उन्हें पिदुरंगला जाने के लिए कहा गया ताकि राजा कश्यप सिगिरिया रॉक पर अपना किला बना सके। लेकिन अब यह मठ खंडर बन चुका है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट और एडवेंचरस हो रहा था। बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर कहीं बैठकर, तो कहीं रेंगकर, और कहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हम ऊपर पहुंच ही गए। यहाँ इस 200 मीटर की ऊंचाई को चढ़ने में हमें 30 से 40 मिनट लगे। रॉक पर का मौसम बहुत ही सुहाना था। ठंडी हवा बह रही, आकाश में चांद और तारे नजर आ रहे थे। प्रकृति की इस सुंदरता में हम अपनी थकान कहीं भूल चुके थे। हमसे पहले और भी टूरिस्ट पहुंच चुके थे, और ऊपर से प्रकृति की सुंदरता का दृश्य मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में बैठे हों। आसमान धीरे धीरे लाल हो रहा था। उगते हुए सूरज की रोशनी से फैले कुदरत के इस नज़ारे का सभी लोग आनंद ले रहे थे। ये जो पिदुरंगला शब्द है, इसका मतलब होता है ऑफरिंग ऑफ गोल्ड।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 5000 साल पहले रावण का सोने का महल सामने जो सिकरिया रॉक है उसके ऊपर था। अगर आप पिदुरंगा हाइक के लिए आ रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नंबर वन, अपने साथ टॉर्च जरूर रखें, हेड टॉर्च होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर टू, अपने साथ सामान बहुत कम रखें, लेकिन हाँ पानी की बोतल ज़रूर रखें। नंबर थ्री, यहाँ पर फूड स्टॉल और टॉयलेट की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।